सिकंदराबाद क्षेत्र के भौरा सलोनी उर्फ रोनी, मकरंदपुर उर्फ फतेहपुर, वैर बादशाहपुर, अरोड़ा फतेहपुर जादा, धनौरा, नूरपुर निठारी, गांगरौल और कादरपुर गांव के रेलवे लाइन से दक्षिण दिशा की ओर वाले क्षेत्र को यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल करते हुए बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सूची से हटाते हुए सैद्धांतिक रूप से यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। इन गांवों में अब बहुत तेजी से विकास होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, शासन के निर्देश पर खुर्जा विकास प्राधिकरण के 42 गांवों को भी यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। BDA और KDA की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि रेलवे लाइन से दक्षिण दिशा में बसे शेखपुर माम, दाऊदपुर, सलमेमपुर मजरा दस्तूरा, खंडपुरा, भगवानपुर, हसनपुर, लड़ूकी, बीगेपुर, बीछट, सुजानपुर, मोहम्मदपुर मजरा बीछट, अख्तियारपुर, सनेता, सफीपुर, भाईपुर, ललपुर, मुमरेजपुर, शहजादपुर, कनेनी, आजमाबाद, सारंगपुर, नगला रूमी, आसफपुर, सिरियाल, शाहपुर कला, गौठनी, भिंडौर, फिरोजपुर, अहरौली, औरंगा, भादवा, रामगढ़ी, जाफरनगर, गुदाईपुर, जाहिदपुर कला, गंगथला, कलंदरगढ़ी, कुआरसी, जाहिदपुर खुर्द, सुल्तानपुर, इस्माइलपुर बुढ़ैना, इब्राहिमपुर जुनैदपुर, समसपुर, कमालपुर, मजरा भदौरा, इनायतपुर उर्फ मधुपुरा, भदौरा और खबरा गांव को यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर जिले के 53 गांव को यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बोर्ड सिकंदराबाद तहसील के 11 और खुर्जा क्षेत्र के 42 गांव को ईडा में जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है कि इन 53 गांव को BDA के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि शासन ने बीते दिनों बुलंदशहर के इन गाँव को यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल करने का फैसला लिया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को BDA सभागार में मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें सबसे मुख्य प्रस्ताव जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के 11 और खुर्जा के 42 गांवों को यमुना विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाना रहा। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि इन गांवों की बहार आने वाली है, यानी इन सभी गांवों में यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा तेजी से विकास कराए जाने की उम्मीद है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।